बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज दोस्तों हम फ्लटर के डार्ट लेक्चर नंबर आई थिंक 9 है, इसमें आपका खुशामदी। आज इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम डार्ट के ऊपर और कंटिन्यू करेंगे। डार्ट का आई थिंक पार्ट 3 है जिसमें हम डार्ट प्रोग्रामिंग के ऊपर थोड़ा फोकस कर रहे हैं। इस डार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर आज हम बेसिकली बात करेंगे और बेसिक ऑपरेटर्स के ऊपर, ठीक है। व्हाट बेसिकली वी मीन बाई ऑपरेटर्स, इफ आई कम बैक हियर और ऊप्स, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेस्ट कर देता हूँ। दीज आर 5 डिफरेंट ऑपरेटर्स जो हम डार्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स। ये 5 मोस्ट कॉमनली नोन ऑपरेटर्स हैं जो डार्ट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। वेरी क्विकली इनके ऊपर वी विल गो थ्रू देम कि यार ये ऑपरेटर्स क्या हैं, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल्स क्या हैं। अगेन डिपेंडिंग ऑन क्या, अगर आप पहले प्रोग्रामिंग की हुई है तो आपको ये चीज़ों के बारे में बेसिक इल्म होगा और इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल टू यूज। अगर लेकिन आप फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, डार्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो इट्स गुड टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि यार ये है क्या, ऑपरेटर्स कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है और उनकी क्या बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है। तो आज के सेशन के अंदर हम बेसिकली इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी तफसीलन बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर ईशान भट्टी और इस चैनल पर आने के पहले इतफाक हुआ है, डार्ट, फ्लटर, वेब प्रोग्रामिंग और फ्लटर के साथ साथ मोबाइल ऐप प्रोग्रामिंग मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब, फॉलो दिस चैनल, क्योंकि मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहूँगा और ये वीडियो पूरी देखिएगा। कोई इशू, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। समझ में भी आ गया, वीडियो देखी हुई है, कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चले, थोड़ा फीडबैक मिले, थोड़ा हौसला मिलता है कि आप लोग वीडियो फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो डू कमेंट, थोड़ी सी भी यहाँ तक भी देखिए वीडियो, कमेंट जरूर करेंगे, सर समझ में आया नहीं आया, ऑलरेडी किया हुआ है नहीं किया हुआ, कमेंट जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा एक फीडबैक मिलता है, थोड़ा सा एक सहारा मिलता है कि ठीक है भाई लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है जनाब। तो शुरू करते हैं, आ जाते हैं डार्ट पैड के अंदर। नाउ डार्ट पैड एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, dartpad.dev करके ये URL इसका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दोबारा डाल दूंगा। ये यूज करने का वजह ये कि ऑनलाइन आप डार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और यहीं पे आपका आउटपुट आ रहा है, फिलहाल इसके लिए कुछ और इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल, बड़ा आसान सा है, समटाइम्स थोड़ा आउटपुट में क्योंकि ऑनलाइन है तो कभी कभी स्लो हो जा रहा है, लेकिन बहरहाल इट्स जस्ट अ फैंटास्टिक टूल। इसको मैंने फ्रेश ओपन किया तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास void main for का एक लूप का एक सिंपल सा कोड आया था। व्हाट आई विल डू इज मैं इसको for के लूप कटा देता हूँ। अगेन void main स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से कोड हमारा स्टार्ट होता है। डार्ट का हर कोड हम void main के अंदर लिखते हैं। ब्लॉक स्टार्ट किया, ब्लॉक क्लोज, ताकि कोड जो है इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर, बेसिकली हमारे पास ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले हमने डेटा टाइप्स के ऊपर और वेरिएबल्स के ऊपर भी बात की थी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, वेरिएबल a इज इक्वल्स टू 10 कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से मैं वेरिएबल b इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 3 कर दिया। तो ये दो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए हमारी डार्ट के अंदर। अब यहाँ पे मैंने कोई डेटा टाइप नहीं बताई, उनके स्पेसिफाई नहीं किया कि इंटीजर है, बाइट है, फ्लोट है, शॉर्ट है, ये सिंपल वेरिएबल क्रिएट किया है, वेरिएबल नेम देके और टाइप उसका हमने कुछ भी नहीं दिया। तो वेरिएबल से बेसिकली वो पता करेगा कि यार अच्छा अगर आपने इसमें इंटीजर दिया है तो ये भी ऑटोमेटिकली इंटीजर हो जाएगा, अगर इसमें आप बाइट देंगे अपना स्ट्रिंग देंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आई कैन ओपन, एक वेरिएबल हमारे पास बन गया, इसमें हम आके बेसिकली यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक और वेरिएबल क्रिएट लेता हूँ आंसर करके इज इक्वल्स टू और मैं कह देता हूँ ए प्लस बी, ठीक है। अब ये प्लस क्या हुआ, प्लस बेसिकली मैथमेटिकली एक सिंबल है, इसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कहा इनिशियलाइजिंग ए वेरिएबल, तो यहाँ पे मैंने अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज का मतलब ये कि मैंने वेरिएबल्स की वैल्यू को इनिशियलाइज किया कि यार एक वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू है 10, एक वेरिएबल है बी, इसकी वेरिएबल है 3, ठीक है, वी ए आर करके वेरिएबल दिया। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इंटीजर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, बात एक ही है, लेकिन इंटीजर से अब आपने स्पेसिफाई कर दिया कि ये इंटीजर डेटा टाइप है। वेरिएबल से बेसिकली आपने एक ओपन एंड का वेरिएबल बता दिया कि यार ये एक ओपन एंड वेरिएबल है, इसका टाइप कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन जो वैल्यू आप उसको दे रहे हो, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना बेसिकली, अक्सर प्रोग्रामिंग में जैसे जावास्क्रिप्ट है तो हम वेरिएबल यूज करते हैं, पाइथन है तो हम वेरिएबल लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, डायरेक्ट सिर्फ वेरिएबल नेम दे देते हैं, ओके। डार्ट के अंदर दोनों चीजें इस्तेमाल हो रही होती है, तो मैंने यहां पे इंटीजर लिख दिया तब भी बात एक ही है, मैं वेरिएबल लिख दूंगा तब भी बात समझो एक लिहाज से एक ही है। तो इसको हमने कहा यार ये इनिशियलाइज कर दो, इनिशियलाइज मींस वेरिएबल्स की वैल्यू को हमने इनिशियलाइज कर दिया कि एक वेरिएबल है ए, उसकी वैल्यू हमने 10 इनिशियलाइज की स्टार्टिंग बी स्टार्ट की। इसके बाद अब यहां पे हमने क्या किया, बेसिकली एडिंग और कर दिया, ठीक है, एडिंग यूजिंग प्लस operator ऑपरेटर। तो अब ये जो प्लस है बेसिकली यहाँ पे एज ए ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू उठाओ प्लस कर दो बी की वैल्यू के साथ, जो भी जवाब आएगा इक्वल्स के साथ वो आंसर वाले वेरिएबल में असाइन कर दो। ये सिंपली अर्थमेटिक ऑपरेशन है, इनको सिंपली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। इन ऑपरेटर्स का बेसिकली मतलब ये हुआ कि मेरे पास आंसर हो गया। अब अगर आप इसके प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, प्रिंट के अंदर आने के बाद फिर हम लाएंगे सिंगल कोटेशन, सिंगल कोटेशन में डॉलर ans आंसर कर दिया, तो अब हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा कि आंसर जो है उसको, क्योंकि मैं अभी एक स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करा रहा हूँ इनवर्टेड कोटेशंस के अंदर, तो मैं यहाँ पे डॉलर का साइन दे दूंगा।
डॉलर साइन विल इंडिकेट कि यार ये एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू यहां से उठा के प्रिंट करो। तो ये भी बेसिकली एक ऑपरेटर के तौर पे हमारे पास यहां पे समझो काम कर रहा है। इस ऑपरेटर का मतलब ये कि ये इस वेरिएबल को रिफर कर रहा है, हालांकि यहां पे डॉलर नहीं दिया हुआ, लेकिन अब क्योंकि मैंने स्ट्रिंग के अंदर दिया हुआ है तो ये अब पाइथन इसको डार्ट को बता रहा है कि भाई यान ये जो आंसर है ना ये स्ट्रिंग नहीं है, अगर आपने यहां पे डॉलर हटा दिया तो अब ये इसको सिंपली ए एन एस करके कंसिडर करेगा। तो इफ यू रन दिस नाउ तो ये ए एन एस प्रिंट कर देगा। हमने कहा यार ए एन एस नहीं, मुझे ए एन एस की वैल्यू चाहिए, तो ए एन एस की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर ही उसको डॉलर दे दिया। अब जब आप इसको प्रिंट कराने जाओगे तो बेसिकली अब ये आपका स्ट्रिंग जो होगा वो 13 प्रिंट कर देगा। हाँ, यहाँ पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि द आंसर इज कॉलन, और अब मैं स्ट्रिंग के अंदर रहते हुए डॉलर साइन को प्रिंट करा दूंगा। तो नाउ व्हाट दिस विल ट्राई टू डू इज कि आपकी स्ट्रिंग प्लस जो इंटीजर की इसकी जो वैल्यू थी वो उसके साथ प्रिंट करके दे देगा। तो इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर ही मुझे वेरिएबल की वैल्यूज प्रिंट करानी है तो मैं डॉलर साइन यूज करूंगा, फिर स्ट्रिंग आ गई आंसर इज स्ट्रिंग के साथ ही मैंने कहा यार ये वैल्यू प्रिंट कर दो। तो ये हमारे पास हुआ पहला स्टेप जिसमें हम सिंपली एडिशन कर रहे होते हैं। इसी तरीके से बेसिकली आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। तो इफ आई कम डाउन हियर तो अब यहाँ पे आप मैं कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल एक और बना देते हैं, मैंने यहाँ पे दे दिया एस यू बी सब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी कर देते हैं, चले ठीक है सेमी कॉलन। तो अब ए माइनस बी हमारे पास एक आंसर आ गया। अब मुझे इसी की वैल्यू प्रिंट करानी तो हम क्या करेंगे, प्रिंट में आ गए ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, सेमी कॉलन पहले दे दिया, इन्वर्टेड कोटेशन देके द सब ट्रैक्शन इज, तो अब मैं डॉलर और सी प्रिंट कर दूंगा, सॉरी सब एस यू बी सब प्रिंट कर देंगे ठीक है। तो अब ये जो सब की वैल्यू होगी हमारे पास ये सब की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा ठीक है। तो डॉलर सब हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया। अब जब आप इसको प्रिंट रन करने जाएंगे तो जो भी इसका मैथमेटिक ऑपरेटर होगा ऑपरेशन होगा वो यहाँ पे परफॉर्म करके आंसर दे देगा ठीक है। ए माइनस बी तो ए में से बी माइनस किया तो जो आंसर आया। तो ये जो प्लस माइनस इसी तरीके से हमारे पास दूसरे जो है मल्टीप्लाई है डिवाइड है ये सारे हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास आए थे ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे यूं भी लिख सकते हो कि प्रिंट कर दो भाईजान ठीक है, और जो हमारे पास आंसर है सेमी कॉलन, और उसके बाद आप यहाँ पे यू कर दो कि एस यू बी सब इज इक्वल्स टू, अब मैं वही वेरिएबल यूज कर रहा हूँ और ए मल्टीप्लाई बाय बी कर देते हैं ठीक है। तो मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक साइन यूज करेंगे, और अब मैं यहाँ पे दोबारा से वही चीज कर दूंगा, इन्वर्टेड कोटेशन दी द मल्टीप्लीकेशन इज, और फिर हम डॉलर एस यू बी सब दे देंगे। अब हमने यहाँ पे दो चीजें और की, दो चीजें क्या की कि मैंने सब को यूज किया, मैंने नया वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, उसी वेरिएबल को उठाया, हमने कहा ठीक यही वेरिएबल उठाओ लेकिन अब की बार इसकी वैल्यू को अपडेट कर दो ए मल्टीप्लाई बी से, तो ए मल्टीप्लाई बी का जो भी आंसर आएगा वो सब के अंदर चला जाएगा। तो जो सब की पुरानी वैल्यू थी जो यहाँ पे हमने माइनस में दी थी वो ओवरराइड हो जाएगी, वो अपडेट हो जाएगी, वो चेंज होके अब उसमें मल्टीप्लीकेशन की नई वैल्यू आ जाएगी और वो सबको करेगा। तो ये दो चीजें हुई, एक तो मल्टीप्लाई किया, दूसरा सब की पुरानी वैल्यू को हमने अपडेट किया। तो ये इक्वल ऑपरेटर आ गया, ये मल्टीप्लीकेशन आ गया, ये माइनस ऑपरेटर आ गया, इनको हम ऑपरेटर लव्स यूज करते हैं यहाँ पे ठीक है। अब जब हम इसको रन करेंगे तो वो पहले टाइम क्या करेगा, पहले टाइम अपने हिसाब से वो 7 प्रिंट करेगा ठीक है, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद नया जो आउटपुट होगा वो प्रिंट करेगा ठीक है। तो नाउ यू कैन सी दिस कि सब्ट्रैक्शन में उसने 7 प्रिंट किया, मल्टीप्लीकेशन में गया तो 30, हालांकि वेरिएबल एक ही है। तो यू कैन डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स और यू कैन यूज वन वेरिएबल और उसकी वैल्यू अगर आपको आगे जरूरत नहीं है तो आप उसको अपडेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ, सब कर दिया। अब इसका क्या मतलब होगा, अब इसका मतलब ये होगा कि जो सब हमने वेरिएबल यहाँ पर यूज किया था उसमें पहले a माइनस बी की वैल्यू डाली, वो प्रिंट करा दी जो कि 7 आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने उसी सब की करंट वैल्यू उठाई जो यहाँ पे 7 आई थी, उसको मल्टीप्लाई करा दिया a के साथ। a के साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद जो जवाब आया वो वापस मैंने सब को अपडेट कर दिया। तो अब एक दफा सब में 7 प्रिंट करेगा, नेक्स्ट टाइम अब सब में जो न्यू वैल्यू होगी फॉर एग्जाम्पल 7 मल्टीप्लाई बाय 10 उसने किया जो a की वैल्यू थी, तो हमारे पास 70 का आंसर आ गया। Got it? तो ये हमारे पास एक सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल का बेसिक तरीका आया था। इसी तरीके से डिवाइड है, डिवाइड थोड़ा सा ट्रिकी है। डिवाइड के लिए मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ, div कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाईजान a को जो है तुम अब डिवाइड करो कुछ इस तरीके से b के साथ ठीक है, और सेमीकॉलन दे दिया। नाउ व्हाट दिस बेसिकली मींस के और फिर इसको आप प्रिंट करा देते हैं वापस उसी तरीके से, प्रिंट ब्रैकेट दिया, सेमीकॉलन देके पहले तो इसको बंद किया, फिर इन्वर्टेड कोटेशन इसके अंदर दे दी, और यहाँ पे हमने कहा द डिवीजन इज ठीक है कॉलन देके, और फिर यहीं पे मैंने डॉलर और मैंने डीआईवी का टैग यहाँ पे यूज कर दिया ठीक है। अब डिवीजन में बेसिकली ये दो ऑपरेटर्स मिलकर डिवाइड का सिंबल बनाते हैं, क्योंकि सिंपल जो इसका आइकॉन है ये वाला बेसिकली हमारे पास जो है वो डिवाइड जो है वो यूज होता है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं डबल डिवाइड, या फिर इसमें हम बेसिकली इस तरीके का ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहां पे ये क्या करेगा, इसको लेट मी रन इट ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट आ गया डिवीजन इज 3 ठीक है। अब यहां पे 3 क्यों आया,
इफ आई चेक हेयर, ए की वैल्यू थी 10 और 3 की वैल्यू थी बी, तो इफ आई डिवाइड 10 बाय 3 तो वो उसूलन हमारे पास आंसर पॉइंट्स में आना चाहिए, राइट, 3.33 समथिंग करके कुछ ऐसा, लेकिन यहाँ पे 3 आया. तो जब ये ऑपरेटर हम यूज करते हैं ना, बेसिकली अगर यू क्लिक ऑन दिस वन, तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये ट्रंकेटिंग डिवीजन ऑपरेटर है. इसका मतलब ये कि ये आपका जो पॉइंट्स में वैल्यू रिमाइंडर्स की है वो हटा देगा, जस्ट होल नंबर में इंटीजर में जवाब देगा. क्यों देगा? क्योंकि बेसिकली यहाँ भी मैंने दो इंटीजर वेरिएबल्स उठाए, तो इंटीजर इंटीजर करके वो आंसर दे देगा. तो इसीलिए उसने 3 किया, पॉइंट्स की वैल्यू हटा दी. इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है, वापस यहाँ पर आ गए और डिवीजन में हम दोबारा इसको कोड को लिखते हैं. अब की बार डिवीजन 2 कर दिया, डिवीजन 2 कर दिया और मैं ट्रंकेशन हटा देता हूँ. ठीक है, डिवीजन विथ ट्रंकेशन फॉर एग्जांपल कह दें और ये नॉर्मल डिवीजन कर लेते हैं. तो अब मैं जब इसको रन करेंगे, होपफुली दिस शुड नॉट बी एरर, चलें. अब हमारे पास आंसर देखो क्या आया. जब आप ये टर्शियरी ट्रंकेशन ऑपरेटर यूज करेंगे डिवीजन के साथ, तो अब आपका जो जवाब होगा वो 3 आ जाएगा. जो डेसिमल के बाद की वैल्यूज है वो उसने उड़ा दी. सिर्फ डिवाइड जब आप यूज करोगे तो एक्चुअल प्रॉपर डिवीजन करके देगा. तो समटाइम्स हमें रिमाइंडर इन अदर वर्ड्स नहीं चाहिए, डेसिमल्स में वैल्यू नहीं चाहिए, होल नंबर में जस्ट मेन आंसर चाहिए. तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं. अगेन आप नहीं यूज करो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में नहीं होता, वी वांट द वैल्यूज टू बी एक्यूरेटली गिवन टू अस. तो एक्यूरेशन के लिए डिवीजन ऑपरेटर कॉमनली ये सॉरी इस्तेमाल होता है. ठीक है, बैक स्लैश डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है. जब आप बैक स्लैश यूज करोगे तो डिवीजन इज डिवाइड बाय 2, जब करेंगे तो 3.3333 करके आएगा. लेकिन ये जो हमारे पास ये ऑपरेटर है ट्रंकेटिंग ऑपरेटर, अगेन आप इस पे होवर करें तो डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे इसकी सारी तफसीलात भी बता रहा है कि बेसिकली जो रिमाइंडर शिमाइंडर है वो सारा हटा के जो मेन होल नंबर आंसर आएगा वो हमें दे देता है. तो समटाइम्स दिस बिकम्स यूजफुल, समटाइम्स इट माइट नॉट बी, डिपेंडिंग ऑन आप क्या करना चाह रहे हैं. लेकिन क्योंकि ये ऑपरेटर मौजूद है हमारे पास तो हमने इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया. ये रहा हमारे पास बेसिकली व्हाट वी कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स में डिविजन के दो बेसिक टाइप आ गए. इसी तरीके से फिर हमारे पास जो तीसरा टाइप आ जाता है वो अगर हम जाएं वो कहलाता है मॉड्यूलस. ठीक है, तो मॉड्यूलस क्या करता है, वो आपको एक्चुअली सिर्फ रिमाइंडर देता है, इसी से रिलेटेड है. तो फॉर एग्जाम्पल एम मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और इसको मैंने कहा ए परसेंट बी सेमी कॉलन, और इसका भी हम आउटपुट प्रिंट करा देते हैं सेमी कॉलन लगा के, इन्वर्टेड कोड दे दिया. द मॉड्यूलस इज बेसिकली अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ओप्स कहाँ चला गया, डॉलर और फिर मैं यहाँ पे एम दे देता हूँ. ठीक है, अब इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए. मॉड्यूलस बेसिकली क्या करेगा कि आपको रिमाइंडर निकाल के देगा. तो हमारे पास इसका जो रिमाइंडर बचा 1, तो अगेन ए डिवाइड बाय बी, तो ए की वैल्यू थी 10, बी की वैल्यू 3, तो डिवाइड हम करेंगे तो 3 3 9 9 बचा हुआ कि रिमाइंडर क्या बचा 1, तो ये 1 दे दिया उसने. ठीक है, तो ये जो 1 था वो मॉड्यूलस आपको रिमाइंडर इटसेल्फ निकाल के दे देगा. तो ये हमारे पास एक मॉड्यूलस ऑपरेटर परसेंटेज का होता है, इसका बहुत काम है. अक्सर औकात हम इसको रिवाइड यूज कर रहे होते हैं सिंपली टू चेक इवन एन ऑड नंबर एज वेल, तो हम प्राइम नंबर भी एज वेल, तो हम और मॉड्यूलस का इस्तेमाल हमारे पास हो रहा होता है. तो ये हमारे पास बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आ गए. सो इफ आई कम बैक हियर और मैं इसको अगर रिवाइज करूं तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या है, प्लस आया, माइनस आया, मल्टीप्लाई आया, डिवाइड आया, ठीक है, ट्रंकेट डिवाइड आया और फिर हमारे पास मॉड्यूलस आया. ये सारे हमारे पास जो है ना अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आ जाते हैं. ठीक है, उसके बाद आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर. तो व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेट्स जस्ट कम बैक हियर और लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स. नाउ रिलेशनल ऑपरेटर्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट रिलेशनल ऑपरेटर्स आर, दे इवैल्यूएट अ रिलेशन. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एज अ मैथमेटिक्स अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. रिलेशनल ऑपरेटर्स रिलेशन डिटरमाइन करते हैं, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे के साथ, एक ऑपरेंड का दूसरे के साथ आपस में क्या रिलेशन है. ठीक है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ आपस में क्या रिलेशन है, इस चीज को वो इवेल्युएट कर रहे होते हैं. ठीक है, सच एज फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आ गया इक्वल टू, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डबल इक्वल. इसी तरीके से हमारे पास दूसरा आ जाता है फॉर एग्जाम्पल नॉट इक्वल टू, ठीक है, इसको हम कहते हैं नॉट इक्वल टू, इसके लिए हम नॉट इक्वल का यूज करते हैं कि दो वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है. ठीक है, इसी तरीके से तीसरा हमारे पास आ जाता है जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, तो इसके लिए ग्रेटर देन का सिंबल है. इसकी तरह से चौथा हमारे पास आ जाता है लेस देन, तो उसके लिए हमारे पास लेस देन का सिंबल आ जाता है. इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, उसके लिए इक्वल टू और ग्रेटर देन का सिंबल आ जाता है. सॉरी, इस तरह से पहले ये और फिर ये और फिर नेक्स्ट दूसरा आ जाता है लेस देन इक्वल टू, ठीक है, इसके लिए लेस देन इक्वल टू. तो ये हमारे पास तकरीबन 1 2 3 4 5 6 मेन किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं. अगेन अगर आप कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हैं तो यू वुड बी वेरी फेमिलियर विद दिस, क्योंकि ये दुनिया के तकरीबन हर लैंग्वेजेस में ये ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं. इक्वल टू का क्या मतलब हुआ, इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि अब मैं कंडीशन लगा के चेक करूंगा कि फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल बनाया एक एक्स,
ठीक है, इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू मैंने दे देते हैं दोबारा से 10, ठीक है, और 10 कर दिया हमने। फिर एक और वेरिएबल बना दिया मैंने y करके, इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 3, ठीक है। तो ये दो वेरिएबल हमारे पास आ गए, ओके। उसके बाद अब हम चेक करते हैं कि बल्कि आप यूँ भी कर लेते हैं, फिलहाल इफ में नहीं जाते, प्रिंट में आते हैं, क्योंकि इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट में जरा है कि मैं अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे दे दिया प्रिंट की स्टेटमेंट सेमी कॉलन, तो यहाँ पे आके मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू y, ठीक है, मैंने इसी के अंदर कंडीशन डाल के लिख दी। अब क्या होगा, प्रिंट के अंदर ही मैंने दे दिया कि क्या x इक्वल है y के, तो इफ आई रन दिस स्टेटमेंट नाउ, ठीक है, और इफ एवरीथिंग गोज फाइन, तो देखो उसने क्या प्रिंट किया है, फॉल्स। उसने चेक किया कि क्या x की वैल्यू y के बराबर है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दोनों की वैल्यू 10 कर दी, अब मैं दोबारा चलाता हूं, अब क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हुआ, क्योंकि x की वैल्यू भी 10 थी, y की वैल्यू भी 10 थी, तो इक्वल टू ने प्रिंट किया कि भाईजान ये दोनों ऑपरेटर जो है ना साढ़े, वो एक दूसरे के बराबर है, ठीक। ये इक्वल टू का बेसिकली काम है, इक्वल टू दो डबल इक्वल, सिंगल इक्वल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आ जाता है बेसिकली, जो आपकी वैल्यू को जो है ना असाइन करता है, ठीक है, एक ऑपरेटर से दूसरे वैल्यू को असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जो है ना ये रिलेशनल ऑपरेटर्स में आ जाता है, ठीक है। रिलेशनल का मतलब ये कि रिलेशन चेक करता है कि क्या x की वैल्यू y के बराबर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। अब इन तमाम के जो आउटपुट आता है वो ट्रू एंड फॉल्स में आता है, ये दूसरी चीज याद रखने वाली है, ठीक है। मैं यहां पे लिख लेता हूं, आउटपुट ऑफ ऑल रिलेशनल ऑपरेटर्स इज इधर ट्रू और फॉल्स, इन दोनों में से कोई एक जवाब आएगा, या ट्रू भेजेगा भाईजान मेरा या फॉल्स भेजेगा, बस, ठीक है। यही इनका मजे की चीज है कि ये दोनों जो है ना हमेशा ट्रू या फॉल्स के हिसाब से बात करते हैं कि भाईजान जो बात आप कर रहे हो ये ट्रू है या फॉल्स है। इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है प्रिंट, PRINT प्रिंट, मैंने ब्रैकेट लगा दिया और फिर सेमी कॉलन दे दिया। यहां पे अब मैं कहता हूं x इज ग्रेटर देन y, क्या x की वैल्यू y से बड़ी है, ठीक है। अब हम इस पे सोच में पड़ जाते हैं, अच्छा अब क्योंकि ऊपर वाला भी कोड मेरे काम का नहीं है, तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं सेलेक्ट करता हूं इन तमाम को, और इफ आई वर्क मैंने इन सबको कमेंट कर दिया ताकि ना ये मुझे तंग ना करें बार बार। इफ यू वॉन्ट मैं ये सारा कोड आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, कमेंट्स में मुझे बताएं कि सर आपको ये कोड चाहिए नहीं चाहिए, तो मैं थोड़ी सी इसमें इंस्ट्रक्शंस लिख के आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। प्रिंट x इज ग्रेटर देन y, व्हाट दिस बेसिकली मींस कि अब जब मैं इसको रन करने जाऊंगा तो क्या बताएगा मुझे, फॉल्स, ठीक है। पहले में ट्रू आया क्योंकि x की भी 10 थी, y की भी 10 थी, तो इक्वल टू ऑपरेटर ने कहा कि भाईजान दोनों बराबर है, हमने कहा कबूल है। फिर हमने एक और कंडीशन लगा के चेक किया, एक और रिलेशन चेक किया कि क्या x जो है वो y से बड़ा है, ग्रेटर का मतलब ये कि x की वैल्यू y से बड़ी है, तो हमारे पास उसने दे दिया फॉल्स। लेट मी चेंज द सिनेरियो, अब मैंने यहां पे क्या किया कि x इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 15 कर दिया, ठीक है। अब ये एक और तरीका है, अगेन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, इसको हम कह रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है, ASSIGNMENT असाइनमेंट, OPERATOR ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि 15 जो वैल्यू है वो x को असाइन कर दो। अब मैं दोबारा लिखता हूं भाईजान, प्रिंट कर दो, ब्रैकेट दिया, मैंने कहा x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, और सेमी कॉलन लगा दिया। अब मैंने दोबारा वही चीज की, अब इसका आउटपुट हमारे पास क्या आना चाहिए, अब हमारा आउटपुट इसमें आना चाहिए ट्रू। पहले देखो उसने कहा फॉल्स, अब उसने कहा ट्रू, क्यों, क्योंकि पहले दोनों की वैल्यू बराबर थी, ग्रेटर नहीं थी, बराबर थी, तो उसने कहा नहीं x की वैल्यू y से बड़ी नहीं है, बराबर है, तो बराबर वाली कंडीशन तो ट्रू ही, ग्रेटर वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। लेकिन जो ही मैंने उसको कहा ये चीज कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, अब ये क्यों हुआ, क्योंकि अब हमने x की वैल्यू चेंज कर दी थी 15, अब क्योंकि x की वैल्यू मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू चेंज करके इंक्रीज कर दी, तो अब x की वैल्यू वाकई 15 हो गई, y की वैल्यू 10 ही है, तो क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई। यहां पे हम एक और हरकत कर सकते हैं, प्रिंट एक कंडीशन लगा दी ये चीज, ठीक है, और मैंने कह दिया बल्कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है, और सेमी कॉलर। अब यहां पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू कहा, रन किया, तो अभी भी कंडीशन क्या हुई, ट्रू, ठीक है, x की वैल्यू 15 से बड़ी है, y से बड़ी है, 15 है, इसीलिए ट्रू आया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब मैं x, ये वाली जो लाइन थी ना ये यहां से कट की और मैंने इधर ही आके पेस्ट कर दी, ठीक है, और अब रन किया,
अब ये दोनों, अब ये ट्रू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रू क्यों हुई, क्योंकि उसने पहली कंडीशन में कहा ग्रेटर देन, दूसरी में कहा ग्रेट सॉरी पहली में कहा इक्वल टू, दूसरी में कहा ग्रेटर, क्या एक्स की वैल्यू वैसे बड़ी है, उसने कहा नहीं फॉल्स, ये तो छोटी वैल्यू है भाई, बराबर वैल्यू है, लेकिन अब यही कंडीशन है, मैंने इक्वल टू का ऑपरेटर लगा दिया, अब जहां पहले ये फॉल्स बता रहा था वहां कंडीशन ट्रू हो गई। तो एक एक ऑपरेटर से ना बहुत फर्क पड़ जाता है हमारे आउटकम के अंदर। क्या फर्क पड़ा कि अब उसने कहा हाँ अब ये चीज सही है, क्योंकि अब उसने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कि बड़ी और बराबर हो, बड़ी या बराबर वाली क्योंकि कंडीशन आ गई, तो अब यही चीज 10/10 यहां पे इक्वल हो गया। यहां पे अभी सिर्फ चेक करेगा कि जब तक बड़ी नहीं होगी तब तक कंडीशन नहीं देगा, यहां पे दो चीजें चेक करेगा, दो ऑपरेटर एक साथ आ गए तो दो कंडीशन चेक करेगा कि बड़ी या बराबर हो, तो हमारे पास कंडीशन बैठ गई, ठीक है। बस इसी तरीके से मैंने एक्स की वैल्यू फिर कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5, सेमी कॉलन लगाया, से ज्यादा मैंने प्रिंट दोबारा लिख दिया, इसके अंदर मैंने कहा एक्स लेस देन 5 सेमी कॉलन, अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, ठीक है। तो आउटपुट हमारे पास आ गया फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि 5 जो है वो नंबर है एक्स की वैल्यू, और एक्स को हमने कह दिया लेस देन इक्वल टू 5, गॉट इट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू 5 है, और हमने कंडीशन में भी चेक किया 5 अच्छा है। दूसरी यहाँ पे एक चीज हमने क्या की कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वेरिएबल मैंने डायरेक्ट वैल्यू से कंपेयर करा दिया, ये भी अलाउड है, ये भी हम कर सकते हैं कि मैंने डायरेक्ट x की वैल्यू पहले तो की 5 फिर इसको कहा कि क्या x 5 से छोटा है, उसने कहा नहीं बराबर है, उसने खत्म कर दिया। यहीं पे अगर आप जाके दोबारा से मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल ये प्रिंट स्टेटमेंट, और अब मैं यहाँ पे ऑपरेटर लगा देते हैं हम फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू, तो अब क्या आंसर आना चाहिए, यस अब आंसर आएगा ट्रू, ठीक है। अब हालांकि वही चीज है, लेकिन क्योंकि एक ऑपरेटर मैंने एक्स्ट्रा कर दिया तो अब इसमें डबल कंडीशन आ गए। डबल कंडीशन से मकसद ये हुआ कि x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, तो इस सूरत में भी ये बराबर हो गया, और इस सूरत में भी हमारे पास ये फॉल्स हो गया, तो इस सूरत में ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसमें फॉल्स हो गई। यहाँ पे तीसरी चीज मैं आपको और करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आके मैंने ग्रेटर देन लगाया, ठीक है, मैंने ग्रेटर देन लगा दिया, अब क्या होना चाहिए आउटपुट में, तो ये हमारे पास आउटपुट दे रहा है फॉल्स का, ये हमारे पास आउटपुट दे रहा है ट्रू का, तो ये आउटपुट क्या आना चाहिए। तो हमने जब इसको रन किया तो इसने भी ट्रू दे दिया, दोनों ने, इसने भी ट्रू दिया, इसने भी ट्रू दिया। क्यों ट्रू दिया भाईजान, क्योंकि उसने कहा कि यार एक्स की वैल्यू ग्रेटर है, इसने कहा नहीं बराबर है, लेकिन क्योंकि मैंने इक्वल लगाया हुआ है तो अब यहाँ पे कंडीशन बराबर वाली ट्रू हो गई। तो ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर में एक और चीज आ गई जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू का, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और सॉरी नॉट इक्वल टू रह गया, तो आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक और स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं, और अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ नॉट इक्वल टू, ठीक। अब इसको जब मैं रन करने गया तो ये हमारे पास क्या जवाब देना चाहिए, फॉल्स। फॉल्स क्यों आ गया, फॉल्स इसीलिए आ गया भाईजान कि इसने कहा यार एक्स की वैल्यू है 5, यहाँ भी 5 है, तो ये आपस में तो बराबर नहीं है। अगर यहाँ पे मैं वाई कर दूँ फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं रन करने गया, अब इसने क्या दे दिया, ट्रू। क्यों ट्रू दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पूरी स्टेटमेंट को उठाता हूँ, कंट्रोल सी पेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको कल मैं डॉक्यूमेंटेशन में दिखा सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पे उसने ट्रू कर दिया, TRUE ट्रू। ट्रू क्यों किया, क्योंकि ट्रू में वो कह रहा है कि यार एक्स की वैल्यू थी अभी अभी आपने अपडेट कर दी 5 की, लेटेस्ट वैल्यू उठाएगा वो हमेशा। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का मतलब ये बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। एक था हमने ऊपर यूज किया था इक्वल टू का मतलब आपस में बराबर है, तो ट्रू या फॉल्स बताओ। नॉट इक्वल टू का मतलब यह कि बराबर नहीं है, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, हेंस फॉल्स कर दो, बस। तो यहां पे अब ये कंडीशन क्या कर देगा कि x इज नॉट इक्वल टू y, y की वैल्यू हमारे पास जो थी अभी हमने तब्दील नहीं की, वो 10 ही आ रही है, तो 10 इज नॉट इक्वल टू y, कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, ट्रू हो गई। क्यों, क्योंकि x और y की वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है। इन चीज को हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास रहे अर्थमेटिक, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब आ जाते हैं तीसरे नंबर के ऊपर जिनको कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो यहां पे आके मैं लिख लेता हूं लॉजिकल ऑपरेटर्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के आते हैं, तीन टाइप्स के बेसिकली अगर हम कहें। एक हमारे पास कहता है एंड, जो उसको हम डबल एंड से यूज करते हैं। एक हमारे पास कहलाता है और, ठीक है, जिसको हम डबल पाइप से यूज करते हैं। और एक हमारे पास कहलाता है नॉट, जिसको हम सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क से यूज करते हैं, ठीक है। एंड का मतलब ये हुआ
कि जब वो कंडीशन चेक करने जाता है तो वो दो या दो से ज़्यादा की कंडीशंस को चेक करेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद मैं फिर कुछ और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल A1 कर लेते हैं इज इक्वल्स टू, इसको मैं नाम दे देता हूँ ट्रू का। इसी तरह से वेरिएबल B1 कर लेते हैं इज इक्वल्स, इसको हम नाम दे दिया फॉल्स का, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स क्रिएट किए ए और बी वन करके, एक में हमने वैल्यू ट्रू डाल दी, दूसरे में फॉल्स डाल दी, गॉट इट। अगेन इसको आप बूलियन भी कर सकते हो, रिमेंबर, क्योंकि आप ट्रू एंड फॉल्स यूज़ कर रहे हो, तो मैं इसको डायरेक्ट बूल भी कर सकता हूँ, मैंने वेरिएबल्स पहले से पड़े हुए। अब मैं आके जब लिखूंगा भाईजान प्रिंट में आ जाओ, और अब क्या करो कि A1 एंड B1। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A1 की वैल्यू थी ट्रू, B1 की वैल्यू थी फॉल्स। अगर दोनों को हम एवेल्युएट करने गए, एंड लेट मी जस्ट हाइड ऑल दिस, मैं इन सबको दोबारा से कमेंट कर लेता हूँ ताकि ये जो शहजादे हमारे पास मस्ती ना करें, सिर्फ मुझे अब इनका प्योर आंसर आना चाहिए। तो अब जब मैं इसको हम रन करने गए तो आंसर आ गया फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, फॉल्स इसीलिए आया कि A1 की वैल्यू थी ट्रू, B1 की वैल्यू थी फॉल्स, ठीक है। एंड ऑपरेटर क्या करता है, वो चेक करेगा दो मुख्तलिफ कंडीशंस को। दो मुख्तलिफ कंडीशन से मतलब ये हुआ कि ए की ट्रू और बी की ट्रू, अगर दोनों ट्रू हुई तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो फॉर एग्जांपल मैंने अब यहाँ पे बी वन की वैल्यू चेंज कर लेते हैं, B1 इज इक्वल्स टू, बल्कि नीचे, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं B1 इज इक्वल्स टू TRUE ट्रू। तो मैंने B1 की वैल्यू क्या कर दी भाईजान, चेंज, मैंने कहा चेंज हो गई भाई। अब क्या हुआ, अब जब मैं यही स्टेटमेंट दोबारा से कंट्रोल सी करके प्रिंट करता हूँ, रिमेंबर यहाँ पे आंसर आ गया था फॉल्स, अब हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, अब हमारे पास वो भेजेगा यस ट्रू। क्यों ट्रू भेजेगा, क्योंकि अब उसको A1 भी ट्रू मिला, B1 भी ट्रू मिला, तो ये दोनों को देखेगा, अगर दोनों ट्रू हुए तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी, समझ गई बात, थोड़ी सी हल्की फुल्की। चलें अब इसको हम कुछ तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि मैंने एक वेरिएबल बना दिया फॉर एग्जाम्पल मार्क्स का, ठीक है, मार्क्स इज इक्वल्स टू मैंने करा दिया 40, डन, मैंने कहा डन हो गया। अब हम एक कंडीशन यूज करते हैं इफ की, और मैं कहता हूं कि अगर मेरे मार्क्स लेस देन 40 हुए, ठीक है, बल्कि यूं कर लेते हैं लेस देन 50 हुए, और अब मैं डबल एंड लगा देता हूं और मैं कह देता हूं कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हुए, तो तुमने क्या करना है, तुमने प्रिंट कराना है, प्रिंट ब्रैकेट लगाया, सेमी कॉलन लगाया, ठीक है, और यू गॉट डी ग्रेड, ठीक है। सिंपल एक मार्क्स का हमने प्रोग्राम बनाया। मैं इफ एल्स को भी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने इफ की कंडीशन इस्तेमाल की है, स्टेटमेंट है। असल में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स जितने भी अभी हम यूज करेंगे वो इस इफ के साथ करेंगे। इफ के ऊपर पूरा तफसीली वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा। लेकिन इफ क्या करेगा कि अब हमने इफ के अंदर दो चीजें कर दी, ठीक है, अब इसको जरा गौर से समझो। इफ कंडीशन देखता है कि अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हुई तो उसके नतीजे में मैं क्या करूं। जो अभी हमने रिलेशन ऑपरेटर्स कर रहे हैं कि ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स का मतलब क्या हुआ, काम क्या है, काम उसका इफ के साथ आता है एक्चुअली, ठीक है, काम हम एक्चुअली इफ के साथ करते हैं कि अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हुई कि मार्क्स इज लेस देन 50 तो मैं क्या करूं, और अगर मार्क्स 40 से ज्यादा है तो मैं क्या करूं। तो यहां पर हमने एंड लगा दिया दो ऑपरेटर्स के साथ, ठीक है। चलें फॉर एग्जांपल मैं इसको कट कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करके मैंने यहाँ पर रन किया, ठीक है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि इफ क्या कर रहा है। तो उसने दे दिया यू गॉट डी ग्रेड। क्यों डी ग्रेड दिया, क्योंकि मेरे मार्क्स थे 40 और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई मार्क्स इज लेस देन 50। अगर मार्क्स आपके 50 से कम है भाईजान तो आप क्या करो, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करो। तो ये जो ब्लॉक दिया इफ के अंदर भी, मैंने अब इफ के अंदर भी हमने ब्लॉक दे दिया, इंडिकेटिंग कि यार अगर ये स्टेटमेंट इफ की कंडीशन ट्रू होती है, ये रिलेशनल ट्रू रिटर्न करता है, तो इफ क्या करेगा, ये वाला ब्लॉक प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ 60 मार्क्स, यार चले भाई अन्य अच्छे मार्क्स उठाए, 60 उठा लिए। अब क्या आना चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको कुछ बताया नहीं। अब उसने आके कंडीशन चेक की कि अगर मार्क्स मेरे 50 से कम है तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करो। तो मार्क्स क्या थे 60, तो ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉल्स, क्योंकि फॉल्स हुआ तो उसने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स का काम आता है, हम कोडिंग के अंदर ये कंडीशंस लगा के चेक करते हैं कि अगर मेरे मार्क्स 50 से कम आ गए तो मैं क्या करूं, अगर 50 से ज़्यादा है तो क्या करूं। तो जो अभी पहले से मैंने पहले कोड लिखा था, मैं वापस वो पेस्ट कर देता हूं। अब यहां पे मैंने कहा एंड ऑपरेटर, अब यहां पे एक साथ में दो कंडीशंस चेक कर रहा हूं कि अगर मेरे मार्क्स 50 से कम आए और, ठीक,
एंड अगर यूँ कह लो आप एंड मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा हैं तो डीग्रेड करो। तो अब अगर मैं इसको रन करने गया तो हमारे पास अगेन क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, नो आउटपुट। क्यों? क्योंकि अगेन मार्क्स 60 है। तो ये यहाँ पे आया मार्क्स 50, ग्रेटर देन लेस देन 50, कंडीशन क्या हुई? फॉल्स। अगर आप ये 50 वाली कंडीशन हटा देते हैं, अब मैं ये पहली वाली कंडीशन हटा देता हूँ, अब मैंने लिखा है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, रन किया, ठीक है, तो उसने डिग्रेड, हालांकि डिग्रेड होना नहीं चाहिए, मैंने तो 60 दिए, गॉट इट। तो अब यहाँ पे हमें कंडीशन कुछ ऐसे बनानी पड़ती हैं ताकि मेरा लॉजिकली स्टेटमेंट करेक्ट होकर आए। तो अब मैंने यहाँ पे दो चीज़ें दी कि मेरे मार्क्स 50 से कम है और 40 से ज़्यादा है, मीन्स 40 और 50 की बाउंड्री के दरमियान में है, तो मैं क्या करूँ, डिग्रेड दूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे दे दूंगा 40 और अब मैं जब इसको रन करने गया तो ये मुझे देगा यू गॉट डिग्रेड, क्योंकि अब उसने चेक किया कि यार ये 50 से कम हो और 40 से ज़्यादा है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको हम 42 कर देते हैं, 43 कर दिया, तो अभी भी हमें डिग्रेड देगा क्योंकि मार्क्स अगेन इसी कंडीशन के अंदर है। तो दोनों की वैल्यूज के जब साथ में आएगा तो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सिर्फ 4 कर देता हूँ कि बच्चे ने 4 मार्क्स उठाए, अब क्या होना चाहिए? तो अभी भी हमारे पास कुछ नहीं प्रिंट करेगा। क्यों कुछ नहीं प्रिंट किया? कि उसने कहा कि यार पहले तो मार्क्स 50 से कम हो, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। क्यों ट्रू हुई? क्योंकि 4 था तो 50 से वैल्यू कम आई, तो सूलन तो इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए था। लेकिन एंड की वजह से एंड ने कहा कि भाई जब तक दोनों तरफ की कंडीशंस ट्रू नहीं होंगी मैंने आपका स्टेटमेंट नहीं चलाना, सिर्फ एक नहीं दो कंडीशंस। तो जब मुझे दो कंडीशंस एक साथ रखकर चेक करनी पड़ती हैं तो मैं एंड ऑपरेटर्स या जिनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। ये एक साथ दो चीज़ों को चेक करता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स एक वक्त में एक ही चीज़ चेक होती है, एक्स वाई से बड़ा है या छोटा, बस, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही है कि एक्स वाई छोटा भी है और इससे बड़ा या बराबर भी है, दोनों कंडीशंस ट्रू हुई तो ये वाली वैल्यू हमें प्रिंट करके बताएगा, ठीक है। तो अब जब इसको मैं फॉर एग्जाम्पल 47 कर देता हूँ तो ये मेरे पास कंडीशन देगा कि भैया आपने ग्रेड दिया, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये हमारे पास आ जाता है एंड ऑपरेटर का काम। इसी तरीके से और ऑपरेटर आ जाता है और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और ऑपरेटर का काम यह है कि वो बेसिकली थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल ये कि वो कहता है कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं थोड़ा काम कर दूंगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक भी काम हो गई ट्रू तो मैं आपका काम कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं बता देता हूँ कि वेरिएबल मैं एक और बना देते हैं और उसमें मैं देता हूँ एज इज इक्वल्स टू, मैंने कह दिया 18, ठीक है। और वेरिएबल मार्क्स कर लेते हैं, ठीक है, एम ए आर, बल्कि मार्क्स ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, तो ये मार्क्स आ गए। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ कि इफ, अगर मेरी जान तुम्हारी एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, सॉरी ये पहले और ये इक्वल टू बाद में 18, और ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है, और मार्क्स आल्सो ग्रेटर देन 60, ठीक है, ब्लॉक स्टार्ट किया, ब्लॉक क्लोज किया और फिर हम यहाँ पे प्रिंट दे देते हैं भाईजान कि यार कंग्रेचुलेशंस यू क्वालिफाई फॉर दिस कोर्स चैलेंजिंग वाला, ठीक है। अब हमने इसको क्या कहा कि मैंने कहा कि यार या तो तुम्हारी उम्र 18 साल से बड़ी हो, और अगर 18 से बड़ी नहीं है तो तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स 60 से ज्यादा होने चाहिए, तो तुम क्या करोगे, क्वालिफाई करोगे इस कोर्स के लिए, वरना नहीं। तो अब जब आप इसको रन करने जाएंगे ना भाई जान, तो वो क्या बताएगा, कंग्रेचुलेशंस यू क्वालिफाई फॉर दिस कोर्स। हालांकि उसके मार्क्स कितने हैं, रिमेंबर ये ऊपर हम 47 कर कर आए, मार्क्स इज 47, तो मार्क्स की कंडीशन ये फॉल्स हो गई, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। क्यों एग्जीक्यूट हुई? क्योंकि उसकी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। फॉर एग्जाम्पल उसकी एज को हम कम कर लेते हैं 14, मार्क्स भी इसके कम हुए, अब क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले उसने चेक किया भाई 18 साल से कम है और बड़ा है, उसने कहा नहीं 14 साल है, मार्क्स तुम्हारे 60 से बड़े हैं, उसने कहा नहीं 47 हैं, तो ना मार्क्स बड़े थे ना 18, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी भाईजान की पूरी नहीं हुई, उसने कहा कुछ भी नहीं, चुप करके बैठे, शाबाश, ठीक। ये चीज़ हुई। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्क्स बढ़ा लेते हैं, चले अभी मैंने मार्क्स कर दिए 70, रन कर दिया, अब क्या होना चाहिए, अब आ गया कंग्रेचुलेशन शहजादे। क्यों कंग्रेचुलेशन शहजादे? क्योंकि आपके मार्क्स जो थे वो 70 थे, तो उसने कहा यार 60 से ऊपर मार्क्स नहीं है, कितने भी हों 60 से ऊपर होंगे तो आप क्वालिफाई करोगे। तो और ऑपरेटर क्या करेगा कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो गई, एग्जीक्यूट कर देगा।
एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों की दोनों ट्रू होंगी तो करेगा वरना नहीं करेगा, दोनों की दोनों ट्रू होंगी, बड़ा स्ट्रिक्ट है, दोनों की दो ट्रू होंगी तो करेगा वरना नहीं करेगा, ठीक है। इसको हम बेसिकली लिखते हैं ट्रूथ टेबल के अंदर, एक चीज कहलाती है ट्रूथ टेबल, ठीक है। ये ट्रूथ टेबल आ गई साड़ी, इस ट्रूथ टेबल को थोड़ा समझने की करना तो बात समझ में आ जाएगी। तो मैं पहले बना देता हूं एंड ओ की ट्रूथ टेबल। एंड की ट्रूथ टेबल क्या बनेगी कि एक टी आर यू ई ट्रू हुआ, ठीक है, दूसरा भी टी आर यू हुआ ट्रू हुआ, तो आंसर हमारे पास ट्रू होगा। इसको यूं कर लेते हैं एंड ट्रू, ओके। इसी तरीके से अगर आपके पहला ट्रू हुआ एंड दूसरा फॉल्स हुआ तो जवाब क्या आना चाहिए, फॉल्स, क्योंकि दोनों के में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो भाईजान ने एतराज कर देना, उसने कहा हमने गेम नहीं खेलनी। पहला आपका फॉल्स हो गया लेकिन दूसरा आपका ट्रू हो गया तो भी वो क्या कर देगा, FALSE फॉल्स। अगर आपके दोनों फॉल्स हो गए FALSE फॉल्स, क्योंकि यही कंडीशंस बैठती हैं, तब भी वो फॉल्स कर देगा। तो ट्रूथ टेबल के अंदर एंड की जो ट्रूथ टेबल बनती है वो ये है कि पहली कंडीशन ट्रू हो एंड दूसरी कंडीशन ट्रू हो तो ही मैं ट्रू करूंगा। तो पहली कंडीशन ट्रू हो एंड दूसरी कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा वरना नहीं चलेगा। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया या दोनों फॉल्स, तो सूरत में कंडीशन फॉल्स आती है। तो एंड हमेशा एक वक्त में चलता है जब दोनों ट्रू हुए। इसी तरीके से जब आप फॉल्स पे चले गए और पे, सॉरी, ठीक है, अगर मैं और की अभी बनाऊँ ट्रू टेबल, और की बनाए डबल पाइप साइन लगा के, तो और की जो ट्रू टेबल बनती है वो बड़े मजे की बनती है। अगर दोनों ट्रू हैं तो भाईजान ये भी ट्रू करेगा, अगर एक भी ट्रू हुआ तो अब ये फॉल्स की जगह पे ऑटोमेटिकली साडा जो क्या हो जाएगा, उसने कह दिया कि यार इसको भी हटाओ और इसको भी ट्रू कर दो। फिर उसने कहा अच्छा दूसरी कंडीशन क्या थी, ये भी और सिंबल आ गया, यहाँ भी मैं और लगा लेता हूँ ताकि थोड़ी सी बात आसानी हो जाए समझने में, और इधर भी और लगा दिया, ठीक है, डबल एंड कर देते हैं। वो ये कहता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुआ, आपकी कंडीशन ट्रू हो गई, पहला ट्रू था दूसरा फॉल्स, एक ट्रू आया ट्रू हो गया, पहला फॉल्स है लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू है, उस सूरत में भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। दोनों फॉल्स हैं तब मैं जाके आपको फॉल्स करूंगा वरना फॉल्स। तो और के साथ एटलीस्ट तीन चांसेस मिलते हैं हमें ट्रू करने के, ए बी में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो शहजादा हमें ट्रू कर देगा। सिर्फ उसी सूरत में फॉल्स करेगा जब दोनों फॉल्स हो जाएंगे, ए भी फॉल्स बी भी फॉल्स, मीन्स ना ये ट्रू हुआ ना ये ट्रू हुआ, ये भी फॉल्स हुआ ये भी फॉल्स हुआ, तो आपको कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ये सिंपली हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स की ट्रूथ टेबल कहलाती है, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इसके समझ में हमारे पास आए होंगे। अच्छा, इसमें फाइनली एक चीज़ रहती है नॉट की, किधर गया मेरे पास, ये वाला नॉट, नॉट ओलाटी है शहजादा, अपन वो अपने दिल से मालिक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल बना दिया एक एन करके, इज इक्वल्स टू, मैंने इसको करा दिया ट्रू सेमी कॉलन, ठीक है। मैंने प्रिंट में गया, मैंने कह दिया भाईजान प्रिंट में जाओ और इसको क्या करो, नॉट एन कर दो, सेमी कॉलन लगा दिया। अब ये क्या प्रिंट करना चाहिए, नॉट क्या करता है, आपके ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, ठीक है। नॉट बेसिकली एक रिवर्स ऑपरेटर है जो आपके ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को ट्रू कर देगा, सिंपल एज दैट, उल्टा कर देगा। कभी कभी ऐसे दिल करता है हम लोग करने का, प्रोग्रामिंग है, सब चीजें जायज है, ठीक है। तो अगर मैंने एन बनाया और उसका जवाब मैंने रखा था ट्रू और मैंने नॉट ऑपरेटर लगा के उसको प्रिंट कराया तो भाईजान ने फॉल्स कर दिया। क्यों फॉल्स किया, क्योंकि नॉट ऑपरेटर है। हाँ, अगर इसको मैं फॉल्स कर दूं और अब मैं रन करूं तो क्योंकि ये फॉल्स था तो नॉट क्या कर देगा, उसको ट्रू कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास बन गया रिलेशन लॉजिकल ऑपरेटर्स का सारा पार्ट। उम्मीद है कि यहाँ तक भी बात हमारे पास क्लियर हो गई होगी। ये थे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह वगैरह। इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इज इक्वल्स टू है, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर भी छोटी सी हरकतें और भी हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या है, देयर आर वेरियस डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स एज वेल। सिंपल एक हमने यूज किया हुआ था जिसको हम कहते हैं असाइन, इक्वल वाला, सिंगल इक्वल, ठीक है। हमने कहा ठीक है यार ये तो हमने किया हुआ है। इसके बाद अब हमारे पास जो आ जाता है वो कुछ और भी आ जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लस इक्वल टू कॉमा माइनस इक्वल, उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल, उसके बाद हमारे पास माइनस नहीं डिवाइड इक्वल, ठीक है, डिवाइड इक्वल, और फाइनली एक है मॉड्यूलस इक्वल। तो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं ना, एक तो इंडिविजुअल ये चली चली रहा है, वैल्यू असाइन कर दे भाई,
उसके साथ प्लस भी लग रहा है। अब ये क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल अगेन हम वेरिएबल में जाते हैं और मैंने कह दिया कि यार ये जो वेरिएबल बना दो या इंटीजर बना देते हैं, चले इंटीजर एम वन कर दिया इज इक्वल्स टू 10 कर दिया, एम वन को हमने 10 दे दी वैल्यू, भाईजान ठीक है बिस्मिल्लाह कोई मसला नहीं है, अग्री हो गया। तो ये सिंगल वैल्यू मीन्स 10 की वैल्यू एम वन को असाइन कर दो, हमने कह दिया ओके। अब यहाँ पे मैं एक और हरकत करता हूँ, एम वन प्लस इक्वल्स टू 5। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में एक्चुअली लिख दिया है कि यार एम वन की वैल्यू उठाओ प्लस करो 5 को और असाइन कर दो वापस एम वन को। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली इक्वेलेंट टू हुआ इसके कि एम वन की वैल्यू उठाओ, ठीक है, उसको एम 5 के साथ प्लस करो और जवाब वापस एम वन को असाइन कर दो। तो ये शॉर्ट हैंड है तरीका इस वाले जुमले को लिखने का बस। तो ये जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, एक तो इक्वल है उसके साथ जो एडिशनल है ना, इनका बेसिक काम ये है, ठीक है। काम क्या हुआ कि एम वन की वैल्यू उठाओ प्लस कर दो 5 के साथ और वापस एम वन को असाइन कर दो, इनको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, सिंपल एज दैट, ठीक। ओप्स डेजी डू। इसी तरीके से हमारे पास आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एम वन को उठाया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे अब दे दिया माइनस, तो माइनस का क्या मतलब हुआ? सेम चीज एग्जैक्टली कि एम वन की करंट वैल्यू उठाओ माइनस कर दो 5 पे आ जवाब और वापस एम वन को असाइन कर दो, ठीक है। ये एम वन को शॉर्ट हैंड लिखने का तरीका। इसी तरीके से तीसरा आ गया मल्टीप्लाई, तो एम वन को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, जो भी जवाब आए उसको वापस एम वन को असाइन कर दो। तो अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन दे दूँगा, ये हो गया हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। फाइनली डिवाइड आ जाता है, तो डिवाइड के साथ भी वही हरकत कि यार यहाँ पे आके डिवाइड करो, तो एम वन की करंट वैल्यू उठाओ उसको 5 के साथ डिवाइड करो, जो भी जवाब आए वो वापस एम वन को असाइन कर दो। तो जो भी जवाब आया वापस हमने एम वन को असाइन कर दिया, ठीक है। एरर क्यों? अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कांट बी असाइन, अच्छा ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है तो उसने कहा यार इसको यहाँ पे हम नहीं कर सकते, 5.2 कर दिया। अच्छा ये सॉरी, क्योंकि हमने इंटीजर किया हुआ तो ये कह रहा है कि डिवीजन में जवाब आ रहा है, गॉट इट। जवाब क्या आ रहा है कि अब यहाँ पे देखो कि वो ये कह रहा है कि यार आपने 5 को डिवाइड करना है इसके साथ, डिवीजन का आंसर उस उमूमन डेसिमल्स में आता है, तो डेसिमल जब आप करोगे तो ये एम वन जो होगा हमारे पास वो इंटीजर किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको असाइन नहीं कर सकता, ठीक है, उसका हमारे पास जवाब आता है। अगर इसको मैम उस हिसाब से फिर वेरिएबल की जो वैल्यू होगी उमूमन हम वो फिर यहाँ पे चेंज कर देंगे कि यार इसको मेरे पास वो कर दो, फॉर एग्जांपल डबल कर दो, या इसको अगर मैं वेरिएबल ये वाला कर देता हूँ, ठीक है, तब भी आई थिंक ये एरर रहेगा कि यार ये इंटीजर 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 आ रहा है, अब आंसर जो होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा डबल में। तो अगर ये डबल ही होता DOUBLE डबल, ठीक है, तो शायद ये एरर ख़त्म हो जाएगा कि अब ये M1 जो है बेसिकली डबल वैल्यू आई और अब मैं इसको जो भी जवाब आएगा वो डबल में चला जाएगा, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे बस। तो ये रहे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फाइनली मेरी जान हमारे पास आ जाते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स जो है वो बेसिकली कंडीशंस के साथ डील करते हैं, जिसमें हम इफ एल्स के ऊपर जाके बात करते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने कंडीशनल ऑपरेटर्स प्रिंट कर दिए। अब कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या है हमारे पास? कंडीशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे क्विकली, ठीक, ये हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स आ गए। बेसिकली ये हमें कंडीशंस को इवेल्यूएट करने के लिए असाइन होते हैं, ओके। इसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स एज वेल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ, लेकिन ये वो ऑपरेटर्स हैं जो फिर मैं प्रॉपरली इफ एल्स समझाऊंगा तो लॉजिक कंडीशन समझ में आएंगी, तो फिर बेहतर ज़्यादा तौर पर आ जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल वी ले लिया और इज इक्वल्स टू मैंने, ठीक है, इज इक्वल्स टू उसको मैंने वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल 1। मैंने एक वेरिएबल टी ले लिया, इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू हमने दे दी 2। तो दो मेरे पास वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। तो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, हमने कहा बहुत अच्छा हो गया। हमने एक और वेरिएबल दे दिया माय कर दिया इज इक्वल्स टू, अब इसमें हम करने जा रहे हैं कि टी की वैल्यू इज ग्रेटर देन वी की वैल्यू, ठीक है, हमने कहा अच्छा, और जो वैल्यू बड़ी हो वो टी या वी की जो वैल्यू है आप मुझे बता दो। अब ये क्या कहानी है? इसको हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। ये चेक करेगा कि इफ टी की वैल्यू वी से बड़ी है तो क्या करो, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या करूं मैं अगर टी की वैल्यू वी से बड़ी है तो क्या करूं? वैसे तो ट्रू एंड फॉल्स देता है, अब उसने कहा नहीं मुझे ट्रू फॉल्स जवाब नहीं चाहिए, अगर ये वैल्यू बड़ी है तो टी की वैल्यू असाइन कर दो माय वेरिएबल के अंदर, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वी की वैल्यू असाइन कर दो माय में। थोड़ी समझ में आई बात? मैं यूं समझाता हूँ, इसीलिए मैंने कहा मैं इफ एल्स में जाऊंगा ना तो कंडीशन ऑपरेटर ज्यादा समझ में आएंगे, क्योंकि पहले इफ एल्स हम समझते हैं तो बात कंडीशन आ जाती है। अब इसको मैं अगर खोल के लिखूं तो ये भी बेसिकली शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स कहलाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा गया कि माय इज इक्वल्स टू टी,
ठीक है, और सेमी कॉलन, और फिर यहाँ पे आ जाएगा एल्स, और फिर एल्स माय इज इक्वल्स टू वी। तो ये जो एक जुमला हमने एक लाइन लिखी थी ये एक्चुअली मुतरादिफ हुआ इसके। तो ये जो चार लाइनें लिखी हैं इस चार लाइनों को समेट कर हमने एक लाइन में लिख दिया। ये एक लाइन में लिखने को कंडीशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। इन कंडीशनल ऑपरेटर्स हमने क्या किया कि एक ही लाइन में बताया कि अगर टी की वैल्यू वी से बड़ी है तो क्या करूं, तो माय में टी की वैल्यू असाइन कर दो, ठीक है। तो माय में जो टी की वैल्यू थी ना ये वाली, वो असाइन कर दो। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स में चला जाएगा, ठीक है। इससे पहले हमने एल्स पढ़ा नहीं, तो हम एल्स में जाके क्या कह देंगे कि यार अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो पहले तो कुछ भी नहीं कर रहा था, अब हमने कहेंगे नहीं कुछ भी नहीं करो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अब माय में वी की वैल्यू डाल दो। तो यहाँ पे एक ही लाइन में ये दोनों चीज़ें आ गई कि एक वेरिएबल बनाया भाईजान असीन ने माय ने, ठीक है, हमने कहा बना दिया। अब क्या करो, अब टी की वैल्यू चेक करो वी से, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो टी के वैल्यू असाइन कर दो कॉलन एल्स, ये बेसिकली कॉलन यहाँ पे एल्स को समझो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वी की वैल्यू माय को असाइन कर दो। ये वाला जो पूरा जुमला था ये हमने एक लाइन में लिखा। तो प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग के अंदर कभी कभी इस तरह सिंपल असाइनमेंट हम टर्नरी लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ भी कर रहे होते हैं, और इसी के अंदर फिर कुछ वेरिएशंस हमारे पास आ जाती हैं। ये टिपिकली फिर जब हम उम्मीद है कि ज़्यादा इफ एल्स में जाएंगे तो आपको कंडीशंस और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, लेकिन बेसिकली हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि दिस इज़ हाउ बेसिकली वी वर्क विद इट, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम इफ एल्स के अंदर जाएंगे जिसमें हम और तफसील से बात करेंगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई चीज़ इशू रहा, कोड आपको चाहिए मुझे कमेंट में बताओ तो मैं आपको लिंक सेंड करूँगा, ठीक है। जिस जिसको ये कोड चाहिए, जो और हेल्प चाहिए तो कमेंट्स में आप बताएंगे तो फिर मैं आपको कोड्स का लिंक्स कमेंट्स में शेयर करूँगा। किसी को नहीं चाहिए होगा तो फिर मैं मेहनत क्यों करूँ कोड भेजने की भाई, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करें मुझे, मुझे पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया और क्या पढ़ना चाह रहे हैं। कमेंट्स में आप आएंगे तो हम कोड पर बात भी करेंगे, ठीक है। वरना मैं गेटहब पे इसको पोस्ट कर दूंगा, मेरा गेटहब का लिंक मौजूद है। मुझसे और कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे या जो उसका टिकटॉक का अकाउंट है वो भी बना हुआ है, उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन मौजूद हैं। तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक एज वेल। फिर इंशाल्लाह आगे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानुल्लाह।